इंडिया ने एशिया कप 2030 के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर के चेयरमैन अजीत अगरकर ने स्क्वाड का ऐलान किया। स्क्वाड में तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया है, जो अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेले हैं। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा की भी टीम में वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इंडिया टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कीपर ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसाद कृष्णा शामिल हैं।